हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी माय ऑल वीडियोस। इफ यू लाइक माय वीडियो देन लाइक, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस बेल। आज मैं किसी भी ऑनलाइन प्रोडक्ट का रिव्यू नहीं करने वाली। आज मैं एक व्लॉग वीडियो शूट कर रही हूँ जिसमें मैं घूमने गई थी और हवेली का हमने टूर किया, जिसमें आपको प्रॉपर दिखाऊंगी कैसी है। जैसे हमारे पुराने विलेज का सीन होता है, देखो प्रॉपर वैसे ही है। ये दो हवेलियां बनाई गई है बिल्कुल आमने सामने। इन्हीं हवेलियों को आप देख सकते हो कि ये बिल्कुल छोटी छोटी ईंटों से तैयार की है, वही छोटी छोटी गलियाँ बनाई गई है जो काफ़ी अच्छी लग रही है, जैसे हमारे गाँव के सीन होते ही हैं। ये आप देख सकते हैं कि एक सूबेदार कश्मीर सिंह का घर है, वैसे बनाया गया। वहाँ पे एक बुजुर्ग बनाए हुए दिखाए गए हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। एक साइड पे प्रॉपर लेडीज़ बातें कर रही हैं। ये सीन काफ़ी अच्छा लग रहा था और काफ़ी पुराना सामान भी यहाँ पर पड़ा आपको दिखाई देगा। और ये हवेली मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी, एक फ़ोटोशूट के लिए तो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि अभी हमारी न्यू जनरेशन को किसी को भी ये नहीं पता हमारे हिस्टोरिकल थिंग्स कैसी हैं। तो आप इन्हें इस हवेली में विज़िट कराकर उन्हें दिखा सकते हैं। ये नेक्स्ट घर आ जाता है, ऐसे ऐसे साथ में कई घर जुड़े हुए हैं जिसमें हर तरह के अलग अलग सामान दिखाए गए हैं और अलग अलग चीज़ें बनाई गई है। आप अपनी रिव्यू देख सकते हो। इसके बाद जब हम बाहर आते हैं तो ये हमें कुछ केन से बनाया गया दिखाया गया, जिसमें सारे विलेज के नाम लिखे गए हैं और ऊपर एक लेडी दिखाई गई है खड़ी हुई है जो छत पर, यहीं पर एक बाहर छत पर ये बनी हुई है। ये सारी मिट्टी की नहीं, सीमेंट से बनी हुई है और ये काफ़ी अच्छी लगती है। जितना भी घर है सारा मिट्टी का बना हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटे बच्चे बनाए हुए दिखाए गए हैं जो बांटे वगैरह खेल रहे हैं। उस समय ये सबसे अच्छी गेम मानी जाती थी, बांटे खेलना, स्टेपू वगैरह। ये दो बच्चे ऊपर खड़े हुए हैं, नीचे से बात कर रहे हैं। और अगर आप देखें कि ये एक हकीम का घर है जहाँ पे आपने लिखा हुआ है ताराचंद, और आपको यहाँ पर हकीम से दवाइयाँ वगैरह सारी मिल जाएंगी। ये कोई एक है नंबर चेक करवा रहा है, उनके पास आया हुआ है हकीम के पास। अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पे हमें दवाइयाँ वगैरह दिखाई गई हैं। और नेक्स्ट पे जब हम जाते हैं वहाँ पर काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह लगाई हुई थी। और ये एक हवेली है जिसके अंदर हम जाते हैं तो ये लकड़ी का काम करते हुए दिखाए गए हैं, पलंग वगैरह जो भी सामान बना रहे हैं वो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पंखे नहीं हैं तो वहाँ पे उन्होंने कोई जुगाड़ वगैरह लगाकर अपना चुन्नी से, जैसे पहले उस समय पर लगाया जाता वैसे ही था। अगर हम इसे रस्सी को खेलते हैं तो ये चुन्नी काफ़ी हिलती है और जिससे हमें हवा आती है। नेक्स्ट जाते हैं तो ये पंडित की था जिसमें वो आपका हाथ देख रहे थे। नेक्स्ट है ये टेलर की दुकान थी जिसपे आप अपने कपड़े वगैरह स्टिच करा सकते हो। ये काफ़ी अच्छा लग रहा था, जैसे पहले के टाइम पे नीचे बैठकर कपड़े स्टिच करते थे वैसे ही बनाया गया है। काफ़ी कपड़े भी पीछे टांगे गए थे। नेक्स्ट हम चलते हैं तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी मिट्टी के ऊपर भी पेंटिंग की गई है। और ये आगे आपका सराफे की दुकान जहाँ पर आपको सोने वगैरह के सारा सामान मिल जाएगा। पीछे आप अगर देख सकते हैं तो सारे सोने का सामान बनाकर रखा हुआ है, ये वैसे सोने का नहीं है, आर्टिफिशियल ही है। नेक्स्ट ये डाकघर है, अपनी आप पोस्ट कोई भी कर सकते हैं यहाँ पे, जल्दी जल्दी से अपना लेटर यहाँ पे पोस्ट कीजिए। चलो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो अगर हम आगे चलते हैं तो यहाँ पर हमें जमात दिखाई देती है, तो ये स्कूल आ गया। ये फर्स्ट क्लास है जिसमें ये बच्चे बैठाए गए हैं, वैसे ही है जैसे पहले के स्कूल में सजा दी जाती थी, मुर्गे वगैरह बनाए जाते थे। वहीं साइड पे आप देख सकते हैं कि ये बनाए हुए हैं, लेकिन आज के टाइम पर आपको पनिशमेंट देना अलाउड नहीं है। चलो फर्स्ट क्लास से हम सेकंड क्लास में प्रमोट होते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो ऐसे ही सेकेंड क्लास है, या पीछे आप देख सकते हैं एक सर पढ़ा रहे हैं तो यहाँ पर एक मैडम पढ़ा रहे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी बच्चे हैं और ये स्लेटी वगैरह से लिख रहे हैं, कोई फट्टी वगैरह पे लिख रहा है, जैसे उस समय पर फट्टियाँ भी चलती थी।
अगर हम दूसरी जमात और पहली जमात से बाहर आते हैं, ये सरकारी स्कूल था, आप देख सकते हैं जडियाला गुरु का। तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिलेगा वलैती सज्जन सिंह की का। तो ये NRA का किसी का घर है जहाँ पर एक सुंदर सी लड़की बनाई हुई है, काफ़ी अच्छी बनाई हुई थी। तो नेक्स्ट उसके घर में सारी चेयर्स वगैरह आपको कांच के बर्तन मिल जाते हैं। जैसे आपने पहले देखा कि वहाँ पर मिट्टी का सामान था, तो ये NRA की घर है तो ऑब्वियसली कांच का सामान होगा, अच्छा होगा। नेक्स्ट है अगर हम इस घर को खोलते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर आपको सारा पुराना सामान मिल जाएगा, जैसे रेडियो, टेलीविज़न वगैरह यहाँ पर पड़े हैं, जो ज्वेलरी वहाँ पर चलती थी, ये पासा है, ये फुलकारी है। इस साइड पे अगर हम देखेंगे तो कांच के बर्तन जैसे सामान बनाए गए थे वे पड़े हैं, नीचे तांबे देते हैं, मिट्टी के भांडे सारे पड़े हुए हैं, जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे और अट्रैक्टिव लगते हैं। ये सारा सामान अगर आप देखें तो अच्छा है। और ये एक सीन बनाएगा जहाँ पहले के लोग ऐसे ही होते थे, बाहर उनकी किचन बनाई होती थी, वहीं पर उनके चूल्हे वगैरह होते थे, ग्लास है ये सारे पड़े हुए, वहीं पर वो लेडी एक मदानी को रिड़क रही है। तो वहाँ पे एक लड़की ऊपर खड़ी हुई है। ये सारी आपको सीमेंट की बनी हुई मूर्तियाँ ही हैं, कोई भी ओरिजिनल खड़ा नहीं है। यहाँ पे एक चक्की वगैरह है, ये नलका है, नलके के नीचे देखोगे तो आपने ये कॉइंस है, ये रियल कॉइंस उन्होंने लगाए हुए हैं जो काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। और ये पूरी सीन इतना अच्छा बनाया गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि हम कहीं भी विलेज में एंटर हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपको पूरा वहाँ की सीन बनाया गया कि कैसे गांव है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, छोटे छोटे घर बनाए गए। ये एक सिर्फ मॉडल था जो कांच के बॉक्स में रखा हुआ था और काफ़ी अच्छा मिला।